आवर यू आई होप यू आर एन्जॉइंग योर स्टडीज इन दीज वीडियोज तो बेटा अब ये समर वेकेशन लॉकडाउन भी समर वेकेशन ही हैं अब कितनी देर से अब घर बैठे हैं हम लोग तो एक तरह से फायदा भी हो रहा है कि मेरी आप बच्चों से पहचान हो गई आपसे मेरी बातचीत हो रही है लेकिन मज़ा तब आएगा जब आप मेरी वीडियोज को पूरा एंड तक देखेंगे मुझे पता है आप देख रहे हैं लेकिन आप प्लीज उसे एंड तक देखिए ठीक है बच्चे तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि पहले आपके जो चार सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है प्रो सेक्शन पोइट्री सेक्शन शॉर्ट स्टोरी और एक प्ले है आपके सिलेबस में तो पहले मैंने पोइट्री सेक्शन कंप्लीट किया फिर मैंने शॉर्ट स्टोरीज कंप्लीट की अब मैं आपका प्रो सेक्शन कंप्लीट करूंगी उसके बाद लास्ट में आपका रह जाएगा प्ले प्ले करवाने के बाद मैं ग्रामर का पोर्शन आपके स्टार्ट साथ करूंगी स्टार्ट अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड ऑफ पैटर्न से जैसा आपका बोर्ड का है तो उसी को मैंने ध्यान में रख के आज जो लेसन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं आपके प्रो सेक्शन में से उसका नाम है द समन एट बेनारस ठीक है तो टुडे आई कंटिन्यू विद द लेसन सर्मन एट बेनारस तो बेटा जो प्रो सेक्शन है उसमें आपकी रीडिंग बहुत मस्त है आपके पास बुक्स हैं आपने उसकी रीडिंग जरूर करनी है वो इसलिए क्योंकि आपको कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपने लेसन की पूरी रीडिंग करी होगी और आपको पता होगा कि ये पैराग्राफ या ये पैसेज जो भी है किस लेसन में से है ठीक है तो रीडिंग जरूर कीजिएगा रीडिंग करना मत भूलिए तो आईल कंटिन्यू विद द समरी ऑफ द लेसन सर्मन एट बेनारस रिटर्न बाय बर्टा अट इसमें क्या है बच्चे कि जो सिद्धार्थ गौतम आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना है उन्हीं का नाम बचपन में, में सिद्धार्थ गौतम था यंग प्रिंस रेज इन अफ ऑफ रॉयल इज एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मिजोरी एंड क्रुएलिटीज ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पैलेस गेट्स अंडर वेंट अ स्परिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मेड हिम द बुद्धा द एनलाइटन वन क्या हुआ सिद्धार्थ गौतम राजकुमार थे जब वो बचपन में थे एक प्रिंस थे उन्हें हर तरह की मतलब कंफर्ट जोन में रखा गया था हर तरह की फैसिलिटीज लग्जरियस लाइफ थी उनकी उनके महल के अंदर उनको बाहर की किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स बीमारियां मजबूरियां गरीबी किसी तरह का उनको पता नहीं था क्या हुआ कि उनकी जिंदगी में कभी उनको बाहर जाना पड़ा और ऐसा मोड आया कि उनकी टोटल लाइफ ने ऐसा टर्न लिया कि उनकी लाइफ ही चेंज हो गई और वो क्या बन गए सिद्धार्थ गौतम से बन गए महात्मा बुद्ध एक संत बन गए ठीक है क्या है कि सिद्धार्थ गौतम वाज़ अ रॉयल प्रिंस एंड लिव द लाइफ एज बेफिटेड रॉयलिटी ही वेंट टू स्कूल एट द एज ऑफ ट्वेल्व इयर्स एंड स्टडीड ऑल द हिंदू सेक्योड स्क्रिप्चर्स ही वाज़ शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एट द एज ऑफ सिक्सटीन ही मैरिड प्रिंसेस ही है सन एंड लेड अ कम्फर्टेबल लाइफ मैंने पहले बोला आपको कि सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे एक बहुत ही रॉयल राजकुमार थे जिन्हें हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल थी और वो बारह साल की उम्र में स्कूल गए और उन्हें पूरे हिंदू जो हिंदू रिलीजन के ग्रंथ धार्मिक रिलीजियस बुक्स होती है ना जिन्हें आप बोलते हैं धार्मिक ग्रंथ वो सब आते थे और उन्हें बाहर की जितनी भी कोई क्रुएलिटीज कोई मतलब कोई भी ऐसे जैसे आप बोल सकते हो कोई गरीबी कोई भूख कोई लाचारी किसी चीज का उन्हें पता ही नहीं था क्योंकि वो राजकुमार थे सोलह साल की एज में ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस उनकी शादी हो गई एक प्रिंसेस से एक बेटा भी हुआ और वो पूरी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे वन डे At the age of 25, while going for hunting, he came across a sick man, aged man, a funeral procession, and a monk begging for alms. These sights moved him from the deep of his heart. He realized the sufferings of the world and decided to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. Kya hua? 25 साल की एज में एक बार वो हंटिंग के लिए गए शिकार के लिए रास्ते में उन्होंने एक बीमार आदमी देखा बूढ़ा आदमी देखा एक शव यात्रा शव यात्रा यानी मुर्दे को ले जा रहे थे जलाने के लिए जनाजा देखा और एक क्या देखा भिखारी भीख मांगते हुए देखा मैंने आपको पहले बोला कि इन सब चीजों से उनको पहले दूर रखा गया था क्योंकि वो महल में रहते थे तो जब वो शिकार के दौरान 25 साल की एज में उन्होंने ये सब चीजें देखी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं दुनिया भर में जितनी भी सफ़रिंग्स है जितनी भी इस तरह की चीजें हैं उनको देखूंगा और इन सब दुखों को मैं दूर करूंगा जो जो उन्होंने अपनी आंख से देखे थे ही लेफ्ट द पैलेस उन्होंने महल छोड़ दिया एंड वेंडर फॉर सेवन इयर्स इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट सात साल वो एक ऐसे प्रकाश की तलाश में घूमते रहे जिनका उन सब चीजों को देखने के बाद जो उनके अंदर जागा था फाइनली ही सेट डाउन अंडर अ ट्री फॉर मेडिटेशन आफ्टर सेवन डेज ही वॉज एनलाइट ही स्टार्टेड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग विदीपल अराउंड हिम ही बिकेम नोन एज द बुद्धा Which mean the awaken or the or सात दिन तक वो घूमते रहे घूमते रहे सात दिन के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने साधना मेडिटेशन शुरू कर दी जैसा कि अब भी सभी बोलते हैं कि आप लोगों को अपना ध्यान लगाने के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं उन्होंने भी मेडिटेशन कर दी और फिर उन्हें उस चीज का ज्ञान प्राप्त हुआ जिसकी वो तलाश में घर से निकल गए थे और फिर वहां पे उस पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने वो ज्ञान लोगों में बांटना शुरू कर दिया और उनका नाम फिर क्या हो गया बुद्धा अब उनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगे बुद्धा बुद्ध मीन्स बुद्धि से बुद्ध वर्ड का जन्म हुआ बुद्ध मीन्स अवेकंड जागृति आना समझते अब जागृति आना एक लाइट नई लाइट उनके अंदर पैदा हुई

बेटे की डेथ हो गई इतनी परेशान रो रो के बुरा हाल हर एक के पास जाए हर एक के पास जाए तो किसी ने उसको बोला कि वहां पे एक मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा मर चुका है वो दवाई लेने जा रही थी कि दवाई खिलाओ इसको और ये जिंदा हो जाए तो फिर किसी ने उसको बोला ऐसे ऐसे एक वहां पे एक महात्मा बुद्ध आए हैं है, उनके पास जाओ वो तुम्हें दवाई देंगे जीने के लिए इसको वापस जिंदा करने के लिए वो चली गई उसने बोला उनको कि मुझे इसको वापस आप इसमें जान डाल दीजिए तो महात्मा बुद्ध ने जानते हो उनको क्या बोला कि एक ऐसे घर में जाओ वहां से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने हैं तुमने लेकिन एक ऐसे घर से जहां पे किसी की डेथ ना हुई हो किसी का बेटा ना मरा हो किसी का हस्बैंड किसी का भाई बहन मां किसी घर में जहां पे कोई डेथ ना हुई हो उस घर से आपने एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने हैं किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड आज फ्रॉम समीड्स इन यूर फैमिली एवरी प्लेस वो घर घर गई एक एक घर में गई हर कोई उसे वो दाने देने के लिए तैयार था लेकिन जब वो उनसे पूछती कि क्या तुम्हारे घर में कोई डेथ हुई है तो हर एक के घर में कोई ना कोई डेथ तो हो ही रखी थी She was sad and more grief stricken. The night grew darker, the ideas about man's fate came and flashed across her mind. She then realized that she was really selfish in her sorrow and grief. All are born, she realized, have to leave this world one day or the other. The only way she realized was to surrender to the will of God. Buddha made her realize that life was brief and painful, and that all. ंग और ऑल हैव टू ड वन डे अद अदर शी अंडरस्टूड द सीक्रेट ऑफ डेथ एंड लाइफ जब वो पूरा घर घर घूमती रही उसे नहीं मिला अंधेरा हो गया रात पढ़ने वाली थी अब उसके दिमाग में ये आ गया कि वो कितनी सेल्फिश हो गई थी वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी उसे भगवान की मर्जी के आगे झुक जाना चाहिए क्योंकि बड़ा है बूढ़ा है छोटा है बड़ा है एक ना एक दिन तो उसको जाना ही है जिस चीज ने भी यहां पे जन्म लिया उसने एक ना एक दिन तो तबाह होना ही है तो फिर उसने कहा अब उसे उसने इस अपने वर्ल्ड की जो हमारी सच्चाई का उसको पता चल गया और एंड में उसको रियलाइज हो गया कि डेथ और लाइफ का रियलिटी क्या है और फिर वो वापस उनके पास आ गई किसके पास महात्मा बुद्ध के पास दिस इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी ये भी बहुत छोटी सी कहानी है सरमन का मतलब ही क्या है रिलीजियस स्पीच रिलीजियस स्पीच एट बनारस तो जगह का नाम है रिलीजियस स्पीच जो इन्होंने उस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ने उस पेड़ के नीचे, नीचे बैठ के दी थी रिलीजियस सरमन ठीक है बच्चे अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन वही मैं एक आपके साथ प्रैक्टाइस करूंगी यहां पे अभी ठीक है रीडिंग आपको खुद को करनी है मैंने आपको बोला पूरी प्रॉपर रीडिंग करनी है ताकि अगर कोई पैसेज आपको आए भी एग्जाम में तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह किस कहानी का है रीडिंग इस चीज के लिए जरूरी है अभी फिलहाल मैं एक छोटा सा पैसेज आपके साथ रीड करूंगी ये कहानी के बीच में है लेसन के बीच में से मैंने लिया है एक पैसेज जैसे आई रीड आउट द पैसेज समरी मैंने आपको सुना दी देखो आप Kisa Gotami had an only son and he died. In her grief she carried the dead child to all her neighbors asking them for medicines and people said she has lost her senses. At length Kisa Godmi met a man who replied to her request, I can't give the medicine for the child but I know a physician who can. And the girl said, "Pray tell me sir, who is it?" And the man replied, "Go to Shakyamuni the Buddha." ये एक छोटा सा पैसेज है जो आपकी इस स्टोरी में से कॉम्प्रिहेंशन के लिए लिया गया है ठीक है अब मैंने आपको समरी सुनाई है आपको तो यह तो थोड़ा सा पता चल ही गया होगा कि किस्सा गौतमी जब नाम आया है तो ये सरमनारस में से है आपको लेसन का टॉप मतलब नाम याद होना चाहिए ठीक है अब इसमें क्वेश्चन देखो क्या है पहले तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो भी आपसे पूछे जाएंगे जैसे इसमें पूछा गया है राइट सिनोनिम ऑफ ग्रीफ ग्रीफ यानी सिनोनी मतलब सेम मीनिंग ग्रीफ यानी दुख तो आप उसका सौरव लिख सकते हो उसके बाद फिजिशियन फिजिशियन कौन होता है जो चेकअप करता है वो डॉक्टर भी हो सकता है उसके बाद डेड डेड जो इन जो नहीं है रिप्लाई जवाब देना आंसर लिख सकते हो इसका ठीक है क्वेश्चन अब कैसा है सन वॉज डेड कहानी आपने सुनी अब आपको पता चल गया हु हाँ बेटा किस्सा गोद में तो आपने कहानी पढ़ी है तो इसका मतलब आपको पता चला ना अगर आपने कहानी नहीं रीड की होती आपको कैसे पता चलना था कि किसके सन की डेथ हुई थी दूसरा डिड शी द नेबर्स वो पड़ोसियों से क्या मांगने गई थी क्या मांगने गई थी मैंने आपको पहले भी स्टोरी में बताया वो उनसे क्या मांगने गई थी मेडिसिन मांगने गई थी और इस पैसेज को जब आप रीड करोगे उसमें भी पता चल जाएगा पहले महात्मा बुद्ध के पास जाने से पहले पड़ोसियों से वो दवाई मांगने गई थी कि मुझे दवाई दो जिससे मैं अपने बेटे को वापस जिंदा कर सकू वॉट डिड शी से क्या कहा था ब्रॉड बैक टू लाइफ वापस जिंदा करना चाहती हूं नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डिड द मैन से फिर मैन ने क्या जवाब दिया बंदे ने क्या बोला था दैट शी मस्ट गो टू अ फिजिशियन एज शाक्य मुनि बुद्धा तो ये बेटे छोटे छोटे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं जो आपके पैसेज में से आ सकते हैं ये मैंने आपके साथ एक ट्राई किया इस तरह और भी बड़े सारे आ सकते हैं ठीक है बच्चे तो आपको लेसन की रीडिंग इज वेरी मस्ट आपको लेसन की रीडिंग इसमें सेक्शन में स्पेशली किसके लिए पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन के लिए ठीक है तो बाकी इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको जो इसके रिप्लाईज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे तो टिल देन enjoy my videos till end and stay home stay safe and thank you